हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आज हम गेस व्हाट कहाँ आए हैं, कहाँ आए हम लोग? हरमंदर साहब। हाँ, आज हम आए हैं हरमंदर साहब। जिस देख चरण अगन हरों गुरु की नी कृपा हर नाम दियो। हाँ जी, तो अभी हम मत्था टेकने जाएंगे दरबार साहेब। यार वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही इतना रश होता है, इतना संगत आती जाती रहती है, लेकिन ये जो अभी जो स्पेशल रश है ना, ये सिर्फ अभी जो श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी का प्रकाश पर्व है ना, प्रकाश गुरपुरब, उस कारण से। ये जो बिल्डिंग दिख रही है लंगर हॉल है। अब इमोशनल की हो गए इतना, मम्मी मेरी इमोशनल हो गई है। तो ये जोड़ा घर है, यहाँ पे जोड़े रखा के फिर अंदर जाएंगे हम लोग दर्शन करने। ये जोड़ा घर अंदर से दिखता है, देखो भाई। अभी ना ये देखो, ये साइड में जो दिख रहा है ना, सेवा हो रही है, सब्जियां काटने की सेवा हो रही है, और भी बहुत सारी सेवा, सारी सेल्फलेस सर्विस होती है, सारी सेल्फलेस सेवा होती है। गुरु के घर पे आके सारी संगत सेवा करती हैं। और ये देखो सामने अभी कितना सुंदर दरबार साहब सजा हुआ है ना। अभी अंदर से आपको जब दिखाऊंगा यार, मैं तो हिप्नोटाइज हो जाता हूँ, देखते रहूँ बस। अभी दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर लंगर हॉल जाएंगे ना, तो आपको वहाँ भी सेवा दिखाऊंगा। तो गुरुद्वारा साहब में कभी भी एंटर करोगे तो देखो इस ऐसे पैर धोने पड़ते हैं। इधर बताओ, देख के कैसा लग रहा है? शब्द नहीं है। आज भीड़ भी बहुत है ना, लेकिन रखो शरणाई गुरु रामदास, रखो शरणाई गुरु रामदास, रखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो शरणाई। एक अरदास कीरत की, गुरु रामदास रखो शरणाई, गुरु रामदास रखो शरणाई, गुरु रामदास रखो शरणाई, रखो शरणाई गुरु रामदास रखो शरण। रखो शरणाई गुरु रामदास, रखो शरणाई गुरु रामदास, रखो शरणाई। यार मानोगे नहीं, इतना रश है कि 11:30 बजे हम लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे और हमारा नंबर जो आया था वो आया शाम को अभी 4 बजे। पापा आप सच्ची में 18 साल बाद आ रहे हो यहाँ? हाँ, मैं 18 साल बाद दर्शन करने गुरु सभा से वाराणसी नगरी। ये मेरे बेटे अमोल की साथ लाने की वो स्नेह है उसको पूरा। आप भी तो 4 साल बाद आ रहे हो ना, है ना? इधर से देख रहे हैं। तो गाइस दर्शन अभी अच्छे से हो गए हैं,
और अभी यार बहुत थकान हो गई थी तो हम जा रहे हैं अपने रूम में। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग आराम कर चुके हैं और अब जा रहे हैं फिर से दर्शन करने। तो आगे आपको दिखाऊंगा कि अमृत वेला वहाँ पे कैसे होता है, स्नान करने के बाद फिर लंगर हॉल में सेवा भी करना है, तो आपको वो सब दिखाएंगे। अब यार अभी रात के 11 बज रहे हैं और ऐसा देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, देखो हर जगह सिर्फ संगत है। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरु की कृपा हर नाम दियो। भाई इधर आप सामने देखो यार, ऐसे लोग रात को यहाँ पे गुरुद्वारा साहब में ही सोते हैं। दिखाने और बोलने का मतलब मेरा मकसद यही है कि गुरुद्वारा साहब का आसरा देखो सबको होता है, हर कोई सेफ फील करता है यहाँ पे, इसलिए हर कोई यहाँ पे सो रहे हैं। और प्लस अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व है तो इसलिए भीड़, आप देखो यार आपको हर जगह भीड़ मिलेगी संगत। धन श्री गुरु रामदास। हाँ जी, तो अभी स्नान वगैरह हो गया है और अभी रश इतना ज़्यादा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, जगह भी नहीं है बैठने की, सच बता रहा हूँ। वैसे अभी सवेरे के 2:30 बज रहे हैं और आप देखना ये संगत जा रही है दर्शन करने दरबार साहब, और अभी प्रकाश होगा बाबा जी का, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगा। रखो शरणाई गुरु रामदास, रखो शरणाई गुरु दर्शन अमृत वेला करने के बाद हम लोग अपने कमरे में आ गए और थोड़ा सा आराम किया और अब निकले एक्सप्लोर करने कॉरिडोर को। आपको दिखाता हूँ यहाँ से अगर कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपको सबवे और मैकडी ये सब मिल जाएगा और यहाँ पे काफ़ी जुतियों की दुकान भी है और पंजाबी जूती और साथ में कपड़े ट्रेडिशनल वियर्स ये सब सबका मिल जाएगा। तो देखो ये वाला बैग लिया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो अभी शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी थी वो हो गई है और अभी हम कमरे में आ गए। अब यहाँ से जाएंगे दरबार साहब, वहाँ पे भी दीप माला होगी तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत नई चीज़ होगी। और उसके बाद फिर लंगर हॉल में जाएंगे सेवा करने, आपको वो भी दिखाएंगे। तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत नया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो इस वीडियो को भी आगे आखिरी तक ज़रूर देखना। रखो शरणाई गुरु रामदास, रखो शरणाई अरदास, पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु राम
रखो शरणाई। हैप्पी गुरपुरब। आज श्री गुरु ग्रंथ जी का पहला प्रकाश पर्व है और आज के दिन मैं दरबार साहब में हूँ। तो यहाँ पे ₹5 में 200 ml मिलता है। ये देखो गाइस, ये ₹5 की है सर। गाइस, कल का जो दीपमाला और वो जो आतिशबाजी थी ना, उसका एक्सपीरियंस अल्टीमेट था भाई। मज़ा आ गया, आप वीडियो में देखना, बहुत मज़ा आएगा। अभी जा रहे हैं लंगर हॉल सेवा करने, आपको वहाँ दिखाता हूँ कि कैसे होती सेवा। सेवा करने में भी अच्छा लग रहा है और ये आपको देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा अमाउंट में सारे बर्तन हैं। और समझ रहे हो ना, एक दिन में 1,00,000 या 2,00,000 पब्लिक यहाँ पे संगत लंगर शक्ति है।